नमस्ते। आज के समय में बिना सोचे समझे लोग बस भागे जा रहे हैं। इसका एक छोटी सी एक स्टोरी से एग्जांपल देती हूँ, किस तरीके से हम भाग रहे हैं बिना कुछ जाने कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। एक राजा होता है, ठीक है, उसने अपने शहर में एक अनाउंसमेंट करवाता है कि कल सुबह मॉर्निंग में सूरज उगते ही मेरे महल में आने वाला हर वो शख्स वो चीज़ पाएगा जिस चीज़ के ऊपर उसका हाथ होगा। तो सारे लोग रात भर बहुत सोचते हैं कि मैं किस चीज़ पे, तो कुछ सोचते हैं कि मैं उनकी गायों को ले लूँगा, कुछ सोचते हैं मैं सोना ले लूँगा, कुछ सोचते हैं कि मैं महल का कोई सामान ले लूँगा, कुछ सोचते हैं कि मैं कोई भी जो सेवक होते हैं उनको ले लूँगा। मतलब इस तरीके की सारी चीज़ें वो सोच रहे होते हैं कि किस चीज़ पर। तो सुबह होती है, सुबह होते ही जैसे ही महल का दरवाज़ा खुलता है सारे के सारे गांव वाले वहाँ पहुँचे होते हैं। और वो क्या कर रहे होते हैं, वो जल्दी जल्दी हर चीज़ों पे हाथ रखते हैं। तो राजा जो होता है वो अपनी सीट पे बैठ करके हंस रहा होता है सबको देख करके कि ये क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद उस बीच में से एक पर्सन निकलता है और वो एक पर्सन आकर वो सीधे राजा को हाथ लगाता है। राजा को हाथ लगाने का क्या मतलब होता है कि राजा उसका हो गया, पूरी प्रजा उसकी हो गई, पूरा गांव उसका हो गया, पूरा महल उसका हो गया और पूरी सत्ता ही उसकी हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि उसने सोच करके उस चीज़ पे हाथ लगाई जिससे एक हाथ लगाने से वो सारी चीज़ों का मालिक बन गया, राइट। सेम उसी तरीके से हमें ज़िंदगी में हर चीज़ सोच के कदम करना चाहिए, सोच के कदम रखना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, अगर हमने ये किया तो इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। आज के समय में लोग बिना सोचे किसी को भी फॉलो करते हैं और उस चीज़ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं जिनसे कईयों की ज़िंदगी ख़राब भी हुई है। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं बट वो चीज़ को खुद ही फॉलो नहीं कर रहे थे। तो हमें सोचने की ज़रूरत ये होती है कि हम जिसे भी अपने लाइफ में मोटिवेशन बनाएं, हम मोटिवेशन देखकर सोचकर समझकर इस उस नज़रिए पे बनाएं कि क्या वो पर्सन खुद भी उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। आज के टाइम पे जैसे आप देखते हैं कि कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं जब बीच में ब्रेक लेते हैं तो खुद ही जाकर के बाहर सुट्टे लगा रहे होते हैं, स्मोक कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, वो किस लिए कर रहे होते हैं। एक बार ऐसा एक सिनेरियो हुआ था, किसी ने ऐसे ही एक मोटिवेशनल स्पीकर से जाके पूछा, सर आप तो अभी सिखा रहे थे कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए मगर ये स्मोक वगैरह ये सारी चीज़ें तो स्ट्रेस में की जाती है, तो फिर आप क्यों। तो उन्होंने कहा कि अरे यार जब हमारे लेवल पे पहुंचोगे ना तब समझ में आएगा कि स्ट्रेस ना करो, ठीक है स्ट्रेस नहीं करना चाहिए बट काम का कुछ कुछ तो टेंशन हो जाती है, बस उसी टेंशन को निकालने के लिए मैं स्मोक कर रहा हूँ। तो भाई वो किस तरीके का मोटिवेशनल स्पीकर है, वो क्या कर रहा है, जब वो चीज़ उसको खुद को रिलीफ नहीं कर रही है तो वो चीज़ आपको कैसे रिलीफ करेगी। तो अंधभक्तों की तरह हमें कभी भी किसी के पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें सोच समझ कर अपना मोटिवेशन बनाना चाहिए कि किस चीज़ को किस पर्सन को हमें अपना इंस्पिरेशन बनाना है। तो आपके लिए आज के दिन यही है कि अपनी दिन की शुरुआत जब भी आप कर रहे हो अपने दिमाग को खाली करके पहले ये सोचने की कोशिश करो कि आज क्या करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है। और अगर आप किसी चीज़ को या किसी पर्सन को मोटिवेशन बना रहे हो अपना या फिर अपने लिए कोई इंस्पिरेशन क्रिएट करने वाले हो किसी चीज़ को या किसी पर्सन को, तो सोचकर उसको वैल्यू करना सीखे कि किस चीज़ को वैल्यू देना है और किस चीज़ को नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।